डॉग माय नेम इज अंकिता। तो गाइस अभी बचे हैं दिन के 3:30 और अभी का सीन ये है कि मतलब हम लोग को लग रही है भूख, क्योंकि यार आज हम लोग ना बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करे थे, बहुत लेट ब्रेकफास्ट करते क्योंकि छुट्टी थी बच्चों की, तो हम लोग लेट उठे तो फिर हम लोगों ने एक साथ ही लंच और क्या होता है ब्रेकफास्ट एक साथ ही कर लिया था। तो अब जब टाइम हो गया मतलब 4:45 होने जा रहे हैं, तो अब लग रहा है कि भूख की कुछ खाना है, तो अभी वही मैं आशीष को बोल रही थी। हाँ जी शर्मा जी, क्या सीन है बताओ भाई, कुछ खिला दो यार, भूख लग रही है। क्या बनाऊं, कुछ क्या बनाऊं, जवे बनाऊं, जवे है तुम खिला दो ना आज, जवे बना के तुम। अरे यार सब्जी सब्जी नहीं है यार उसमें ना, वो पत्ता गोभी वगैरह होता है ना, तब मजा आता है, मुझे सूखा सूखा मजा नहीं आता। मैगी तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, पढ़ने बैठ जाओ, शाम को पार्टी में जाने के जाना तुम्हें। हाँ तो पहले पढ़ाई करो, मैगी खानी, खाना वाना होता नहीं है। तो यस गाइस आप लोग भी सोचते होंगे अरे कितने पार्टी में जाते हैं, हम भी खुद परेशान हो जाते हैं, बट एक्चुअल में किसी का बर्थडे है तो का बहुत अच्छी है, मतलब हमारी बहुत फैमिली फ्रेंड है उनका बर्थडे, तो आपको पता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल और फैमिली सर्कल मेरा बहुत बड़ा है, तो कभी ना कभी किसी न किसी का बर्थडे वगैरह होता ही रहता है। तो यस आज है हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड का बर्थडे, और सबसे पहले उनको वो ब्लॉग देखती हैं तो उनको ब्लॉग के थ्रू भी बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे भाभी, तो इसलिए आज शाम को जाना है हमको पार्टी में उनकी, तो इसलिए मैं मैडम को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, और एग्जाम्स के इसका हर दूसरे दिन क्लास होता ही होता है, तो इसलिए आशिता मैं देख रही हूँ आपको। तो ये गाइस अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, और तुम्हें नहीं खाना ना, अब आशीष में आज लड़ाई होने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं इतने देर से बोल रही हूँ बता दो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, और आशीष ऐसे ही लेटे हुए हैं, पता नहीं कितनी नींद आती है इंसान को। हाँ जो मैं नहीं बना रही, मैं कुछ भी नहीं है, मटर भी नहीं है और वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं एक बना दो और उसके साथ बस उठ के ब्रेड ले आओ यार, तो कितना काम करोगे यार तुम उससे। गाइस देखो मैं अभी फ्री हुई हूँ, पता सारा काम को देखो मैं अभी ना आई हूँ सारा काम को निपटा के, और ये इंसान तब से ऐसे ही भैंसों की तरह सो रहे हैं। उठ जाओ यार, आज मुझे लग रहा है कि हम दोनों की लड़ाई होने वाली है। तो ये गाइस अभी डिसाइड करते हैं, फिर मिलते हैं आप। तो गाइस फाइनल डिसाइड हो गया है कि मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, पर उससे पहले मैं देख लूँ कि मैगी भी है या नहीं है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि मैगी है या नहीं, क्योंकि मैं मैगी बहुत कम रखती हूँ, मतलब आशिता को मैं वीक में वंस अ वीक देती हूँ, तो इसलिए मैं कम ही लाती हूँ, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए मैं कम ही लाती हूँ। और गाइस ये आपके भी घर में होता है क्या, जहाँ ये जेंट्स बैठते हैं वो ऐसे खराब कर देते हैं? हमारे घर में तो यही होता है, आशीष जहाँ बैठे तो वहाँ खराब होना ही होना है। आशिता आप ना सीरियसली पढ़ लो, ठीक है, हाँ तो पानी ले लो आप, और ऊपर चलो चढ़ के देखो आशिता मैगी का पैकेट है कि नहीं है, चढ़ाऊँ आपको ऊपर, चलो चेक करो, हाँ ये पर ऊपर है। तो गाइस मोस्ट अवेटेड टाइम जिसमें कि चंद्रयान 3 जो लैंड करने वाला है मून में वो आने वाला है, ओनली 4 सेकंड्स रह गए हैं, और देखो यहाँ पे डुग्गू और सोना कितने एक्साइटेड है देखने के लिए। 4 मिनट्स डुग्गी एस्ट्रो मून कहाँ पहुँचने वाला है चंद्रयान मून में, डुग्गू आर यू एक्साइटेड, फिंगर क्रॉस भगवान अच्छे से हो जाए। सोना आर यू एक्साइटेड बेटा, यस ओनली 4 मिनट्स 600 मीटर डर लग रहा है। देखते हैं गाइस क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। वन फिफ्टी मीटर रह गया, डर लग रहा है मेरे एग्जाम चल रहा होगा, कितना रह गया। जी हाँ, अगर फिर से ध्यान से देखें तो
ये जो देखो देखो वहाँ पे मून की जो ये वाली इमेज है ना अश्विता, ये इमेज ये देखो ये, हाँ नहीं नहीं है ये वाली सेकंड नंबर वाली, ये मून की इमेज आ रही है वहाँ से, हाँ जो हाँ मीटर कुछ भी नहीं होता, 65 मीटर यार है, 65 मीटर कुछ भी नहीं होता। जुगू को देखो कितने से गाइस, जुगू इतना इतने दिन से पूछा था मम्मा मून में पहुंच गया, मम्मा मून में पहुंच गया, तो अभी मैंने उसको सो रहे थे ये बच्चे, मैंने एक बार उठाया उनको, मैंने कहा बेटा पहुंचने वाला है 5 मिनट रह गए, दोनों उठ के बैठ गए, देखो बेचारे कू का कुछ नहीं किया, डर लग रहा। 50 मीटर 50 मीटर फोर्थ कंट्री बन गए, इंडिया फोर्थ कंट्री, ग्रेट सक्सेस ग्रेट सक्सेस ग्रेट सक्सेस ग्रेट सक्सेस। तो गाइस देखो हमारे घर में कौन आया है, हमारी बर्थडे गर्ल, ओ माय गॉड हैप्पी बर्थडे, बड़े खुशी लग रहा है यार, मस्त एकदम। हेलो भैया, कितने देर पहले निकले थे आप पहुंचे? अभी बीच में सामान भी रहा। अच्छा अच्छा चलो चलो रेडी हो गए, हाय यार वाओ भाभी बहुत अच्छे लग रहे। हेलो, बारिश भीगे तो नहीं आप लोग? नहीं नहीं अभी नहीं, बारिश नहीं आ रही, मुझे लगा छिप-छिप के आवाज आएगी। चलो ठीक है ठीक है, तो कैसा लग रहा है बर्थडे गर्ल? लग रहा है बर्थडे बर्थडे वाला। चलो यार बाकी को फोन, यार कोई आया? अच्छा शायद अंत नहीं, नहीं मुझे लगा, नहीं मुझे लगा कोई आया। तो यहाँ पर आ गए हमारे भैया भाभी जी। हेलो भैया, माय गॉड गिफ्ट गिफ्ट, ये खुशी का ठिकाना नहीं, गिफ्ट गिफ्ट मिलने के बाद है भाई, मुबारक हो, हम चल हम मून में, ये हम लोग मून में, दो दो पार्टी हमारी, हाँ अब एक और पार्टी करनी पड़ेगी। मैंने कहा संतोष को, मैंने संतोष को कहा भाई हम तो चांद पहुंच गए, तू कब चांद आएगा? आज इसलिए आज इसे सबने बोला कि सब अपने चांद को लेकर आएंगे। डुगू अब ये बोला कि जब मैं 2 इयर्स का था, और भाभी बोले कि भाई 23 अगस्त को मेरे बर्थडे वाले दिन मून लैंड किया कि आज का दिन अच्छा था। सही बोल रहे हैं, जो लास्ट है ना 31 अगस्त, मेरे से कुछ भद्रकाल लग रहा है इधर। छोड़ो भद्रकाल, अभी सुनो गाड़ी में क्या हुआ, तो बोले उसका कि अच्छा आज हाँ उसका बर्थडे है ना, बोला हाँ, तो भादो में ना बच्चे ना जो लड़के लड़के होते ठीक नहीं होते। अरे मेरे टाइम में भादो खत्म नहीं होता भैया का बर्थडे 31 अगस्त को आता है, तो तैयारी होगी भैया आपके बर्थडे की? कहाँ मसूरी? आओ अभी आओ।
बाय, थैंक यू आ रहा है हमको, बाय है अभी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।